हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो आज मैं दिवाली की छुट्टी में अपने घर जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं घर गया था तो शायद रक्षाबंधन की छुट्टी थी, तब से अभी तक बिजी हैं अपने इंटर्नशिप के शेड्यूल में। सो दोस्तों, वैसे ऑफिशियल छुट्टी नहीं है बट दिवाली जैसे त्यौहार में छुट्टी मारना तो बनता है ना यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। सो आज मैंने सुबह उठकर सबसे पहले अपने रूम की सफाई की। आप मेरे रूम को देख सकते हैं, जनरली ये इतना साफ नहीं होता। बेसिकली मेरा रूममेट कल ही रात में अपने घर जा चुका था तो टाइम पास करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो अपने रूम की सफाई ही कर लेते हैं। देन मैंने घर जाने के लिए अपनी पैकिंग शुरू करी, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरा बैग बिल्कुल तैयार है और हम भी तैयार हैं घर जाने के लिए, बस इंतज़ार है तो अपनी ट्रेन का। घरों में तो हम सब दिवाली मनाएंगे ही, लेकिन मैंने सोचा कि चलो हॉस्टल में भी एक दिया जला के चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक स्पेशल दिया है जिसे जलाने के लिए हमें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मात्र पानी से जल जाएगा, तो चलिए जला के देखते हैं। ये हमारा दिया जल चुका है, कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं। तो अभी हम भोलेनाथ से आशीर्वाद लेके चलते हैं, अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। जाते जाते मैं केडी भाई को भी अपने साथ चलने के लिए रेडी कर लेता हूँ। केडी भाई, फिर हम थ्री इडियट के रेंचो, फरहान और राजू की तरह एक स्कूटी में निकल पड़ते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। सौरभ जो कि हमें स्टेशन तक छोड़ने आता है, उसे हम अलविदा कहते हैं। तो अभी हम विदिशा रेलवे स्टेशन में आ चुके हैं, तो आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। फिर कुछ देर में हमारी ट्रेन आ जाती है जो कि है विंध्याचल एक्सप्रेस। तैयार रे केडी भाई? हाँ। ये भाई साहब तो पहले से ही हमारी सीट में विराजमान होते हैं। आखिरकार काफी संघर्ष के बाद हम अभी अपनी सीट पर विराजमान हो चुके हैं और हमारी ट्रेन विदिशा से रवाना हो चुकी है। केडी भाई भी आराम से बैठ के बात कर रहे हैं कहीं पर। लोगों को खाना खाते देख हमें याद आता है कि हम तो खाना लाना भूल ही गए हैं, है ना केडी भाई? लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ जुगाड़ है तो काम चलाते हैं हम। बिस्किट भी है केडी भाई के। ट्रेन का लोकेशन देख रहे हैं, रानी कमलापति रीवा एक्सप्रेस, स्पेशल ट्रेन है जो कि जिसका किराया भी ज़्यादा है। जिससे पहले हमारे केडी भाई आने वाले थे, वह अच्छा भाई मैं इससे आ गया, मेरे को अभी 4 घंटे ही लेट है, फिर भोपाल जाएगी, फिर भोपाल से फिर से 4 घंटे लेट होगी और मेरी दिवाली तो ट्रेन में हो जाती है। हाँ, तो केडी भाई की दिवाली हम ट्रेन में तो मनने नहीं देते, तो लेके आ गए थे साथ में, तो केडी भाई का फ़ायदा हुआ, मुझे इस बात की खुशी है और कंटेंट मिल गया तुम्हें। तो यहाँ पे हमारे केडी भाई सोने की तैयारी कर रही है पूरी। और फिर लगभग 8 घंटे के सफर के बाद हम आ जाते हैं कटनी मुनवारा स्टेशन। ये आ गए हम कटनी स्टेशन, यहाँ भी भीड़ एकदम। हेलो एवरीवन, तो सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं और हम हैं कटनी मुनवारा स्टेशन में। यहाँ पे भी भीड़ भाड़ काफी ज्यादा बनी हुई है। अभी तक की यात्रा कैसी लगी? सही थी, समय पे पहुंचा दिया तो ये अच्छी बात है। देशन, देशन। फिर हम सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ आ जाते हैं कटनी जंक्शन। वहां पर हम गर्मा गर्म और स्वादिष्ट पोहे का आनंद उठाते हैं। कैसा लगा पोहा भाई? फिर टिकट लेकर आगे की यात्रा का इंतजाम करते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं। हैप्पी दिवाली। यहाँ से मेरे और केडी भाई के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। सुबह के दृश्य का आनंद लेते हुए मैं अकेले आगे का सफर तय करता हूँ।
हेलो एवरीवन, सो फाइनली एट द एंड हम आ चुके हैं सतना रेलवे स्टेशन में। ये रहा स्टेशन के बाहर का नज़ारा। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।